दोस्तों, हमारे पास काफ़ी लोगों के रिक्वेस्ट आए हैं कि गुस्से के लिए होम्योपैथिक दवाइयाँ बताइए, क्योंकि आजकल ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गया है बच्चों के साथ भी और बड़ों के साथ भी ना, गुस्सा बहुत आता है। तो और होम्योपैथी इस प्रॉब्लम में बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन जो है ना, वो मेंटल माइंड के ऊपर काम करती है, बहुत और अच्छा काम करती गुस्सा है। जो है वो एक मन का ही चरित्र है। होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर एंगर, इरिटेबिलिटी, गुस्सा, चिड़चिड़ापन की होम्योपैथिक दवाइयाँ हम इस वीडियो में कवर करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर बैसाख जाजोदिया एंड वेलकम टू निरामया हेल्थ सेंटर। मैं डॉक्टर सावन जाजोदिया। अलग-अलग तरह के गुस्सा हो सकता है, किसी को बिल्कुल कोई गुस्सा एक्सप्रेस कर देता है, कई लोग एक्सप्रेस नहीं करते हैं, कई लोग दिखाते हैं तो बहुत वायलेंट रूप में दिखाते हैं। तो इन सभी चीज़ों को हम अलग अलग मेडिसिन में कवर करने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हमारी मेडिसिन से होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर एंगर मैनेजमेंट या होम्योपैथिक गुस्से के लिए सबसे ज़रूरी होम्योपैथिक दवाइयाँ। पहली दवाई है कैमोमिला। बिल्कुल कैमोमिला का जो गुस्सा होता है बहुत वायलेंट होता है, स्पेशली बच्चों में। अगर गुस्सा बहुत ज़्यादा है तो कैमोमिला बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट्स दिखाती है। कैमोमिला का जो बच्चा होता है उसके अंदर जिद बहुत होती है, और जब जिद उसकी पूरी नहीं की जाती तो उसको आता है गुस्सा, और उस गुस्से की वजह से वो चिल्लाता है, वायलेंट हो जाता है, चीज़ें फेंक सकता है इधर उधर और कुछ भी बोल सकता कुछ भी है। बोल सकता है, अपने माँ को, बाप को, किसी को भी वो मार सकता है, वो वॉयलेंस में उतर जाता है ना। ऐसे बच्चे को शांत कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक ही तरीका बचता है शांत करने का, जब तक उसकी माँ उसको गोदी में उठा करके या उसको दुलारती नहीं है, तब तक वो बच्चा शांत नहीं होता। बहुत क्रॉस रहता है, बहुत ही ज़्यादा है ना इसमें वॉयलेंस रहता है कैमोमिला में, और ज़िद्दी, जैसे डॉक्टर ने बताया, ज़िद पूरी नहीं करते हैं तब ऐसा हो जाता है। तो एक यहाँ पे सोचने वाली बात पेरेंट्स के लिए भी ये है कि बच्चा तभी ऐसा बनता है जब आप उसकी हर ज़िद पूरी करते हैं। बच्चों की सारी ज़िद पूरी मत करिए, जो जेन्युइन ज़िद है ना, ज़िद है वही पूरी करनी चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो फिर इस तरह के बच्चे बन जाते हैं, तो इसमें माँ बाप की भी गलती होती है। तो ऐसे बच्चों को कैमोमिला 200 पावर में 2 दिन देना है। 2 दिन दीजिए, फिर देखिए कि बच्चे के स्वभाव में थोड़ा परिवर्तन आ जाएगा। वो जो एक्सेसिव गुस्सा है ना, बहुत ज़्यादा जिद करता था, वो सब धीरे धीरे देखेंगे धीरे कम होने धीरे इस लगेगा। चीज़ में कमी आएगी, और जैसे जैसे आपको लगता है कि अब और सुधार नहीं हो रहा है, 2 डोज फिर से आपको रिपीट करना है। बिल्कुल, अब हम अगली मेडिसिन में आते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं गुस्से की, सेफिसेग्रिया एंड साथ में कोलोसिंथ। दो दवाइयाँ, स्टेफिसेग्रिया और कोलोसिंथ, दोनों में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, इसीलिए हमने दोनों दवाइयों को साथ में लिया है, बिल्कुल लेकिन इसका डिफरेंस जो है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। जरूरी है। तो जैसे स्टेफिसेग्रिया मेडिसिन है, ये क्या है कि सप्रेस्ड एंगर, ऐसे पेशेंट ना क्रॉनिक एंगर इनको रहता है। क्रॉनिक एंगर इन द सेंस कि इनके ये लोग ऐसे व्यक्तित्व हैं जो बहुत जल्दी ना हर्ट होते हैं दूसरों की बातों से। दिखाएंगे नहीं, आपकी बात से वो हर्ट हो गया है बंदा, लेकिन आपको दिखाएगा नहीं। क्यों नहीं दिखाता है? क्योंकि वो अपनी इमेज को लेकर बहुत सेंसिटिव है, वो अपनी इमेज को अच्छा आपकी नज़र में रखना चाहता है। और दूसरी बात है, वो थोड़ा सा मोरालिस्टिक होता है, बड़ों का आदर सम्मान करता है, इसीलिए वो दिखाता नहीं है गुस्से को, और वो गुस्सा अंदर ही अंदर पनपता रहता है। फिर एक टाइम पर जाके ना वो गुस्सा बहुत भयंकर रूप में निकलता है। जैसे बहुत छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, घर में जैसे घरेलू माहौल में अब एक लेडी है, वो स्टेफिसेग्रिया लेडी कैसे हो सकती है? जैसे उनकी शादी हुई, वो नए नए अपने घर में आई, ससुराल में आई, और जैसा अपने इंडियन माहौल में होता है जनरली, जो नई बहू आती है, कई चीज़ें अब ऑब्वियसली नए घर में सारी डिमांड्स पूरी नहीं होती है, अलग तरीके का माहौल होता है, तो कई बार वो चीज़ें एडजस्ट करने में थोड़ा समय लग जाता है, अपनी सास के साथ, अपने ससुर के साथ, जो एक रिश्ता जो बनता है वो बनने में और ठीक होने में थोड़ा समय लगता है। तो शुरुआत में कई चीज़ें होती है जिन बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है जिसमें उसको गुस्सा बहुत आता है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये ऐसी क्यों हो रही है, बट वो एक्सप्रेस नहीं कर पाती है उनको। बिल्कुल क्यों? क्योंकि नया घर है, यहाँ पे सेट होना है, और नई बहू हूँ, अगर अभी से बोलने लगी तो क्या इंप्रेशन जाएगा, ख़राब लगेगा, फैमिली की बदनामी होगी, एंड ऑल दैट, इतनी सब ये सब चीज़ों को सोच के वो एक्सप्रेस नहीं करती है। लेकिन वो गुस्सा जो है वो अंदर सप्रेस होता जाता है, दबता रहता है, दबता रहता है। बिल्कुल फिर एक दिन अचानक होता है, जैसे घड़ा भर जाता है, और घड़ा भरने के बाद क्या होता है, वो एकदम इंसान फट पड़ता है,
फिर जितना गुस्सा था अंदर दबा हुआ सब एक बार में वो एक्सप्रेस कर देते हैं, फिर जो आया हाथ में वो फेंक दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, एकदम वायलेंट गुस्सा हो जाता है। फिर मैं सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो ये है कि गुस्सा सप्रेस्ड होना चाहिए। अगर आपको गुस्सा आया आपने एक्सप्रेस कर दिया तो आप स्टेफी सेग्रिया नहीं है। बिल्कुल, आपको गुस्सा आया आप वो दबाते चले गए फिर आपने सडन एक्सप्रेस कर दिया तो आप स्टेफी सेग्रिया हो सकते हैं। बिल्कुल, अगर स्टेफी सेग्रिया का नेचर है तो स्टेफी सेग्रिया 200 की दो डोज लेनी है, दो दिन सुबह खाली पेट में। इसके जो क्लोज में हमने बताई कोलोसिंथ के भी पेशेंट जो होते हैं ना वो स्टेफी सेग्रिया नेचर के ही होते हैं, लेकिन एक तो ये थोड़े से घमंडी प्रवृत्ति के होते हैं कोलोसिंथ, इसीलिए इनको बहुत जल्दी बातें लगती है, हर्ट हो जाती है। एक हस्बैंड मान लीजिए घर में है और वाइफ बोलती है कि खाना खा लीजिए, ये बात भी उसको लग जाती है, इस बात से भी उसको इंसल्ट हो फीलिंग हो सकती है और वो गुस्सा हो सकता है। इसमें क्या गलत है, लेकिन उसको लग सकता है, वो बहुत ज़्यादा घमंडी प्रवृत्ति के होते हैं कोलोसिंथ वाले तो, लेकिन ये लोग सप्रेस नहीं करते हैं, ये गुस्सा आया और उसी टाइम पर एक्सप्रेस कर देंगे। चेहरे से मालूम पड़ जाएगा कि इसको गुस्सा आया, स्टेफी सेग्रिया को देख करके मालूम नहीं पड़ेगा कि इसको गुस्सा आया, लेकिन कोलोसिंथ का चेहरा देख के मालूम पड़ जाएगा और वो कुछ बोल भी देगा, तो इस तरह का कोलोसिंथ होता है। और इससे उनको प्रॉब्लम्स क्या होती है, जैसे उनको गुस्सा आया तुरंत उन्होंने एक्सप्रेस कर दिया और उस गुस्से की वजह से उनको दर्द बॉडी में कई जगह स्पेशली माइग्रेन वगैरह डेवलप हो सकता है, पेट में उनको दर्द हो सकता है, उनको साइटिका डेवलप हो सकता है, नर्व पेन रिलेटेड चीज़ें, ऐसी जगह ऐसी जहाँ पे नर्व पेन होता है ऐसी प्रॉब्लम्स उनको हो सकती है। तो अगर आप कोलोसिंथ के पेशेंट, अगर आपको लगता है कि कोलोसिंथ आपकी मेडिसिन है तो आपको 200 पोटेंसी में 200 पावर में दो डोज आपको लेना है, फिर आपको ऑब्जर्व करना है, आप देखेंगे कि आप में ग्रेजुअली सुधार आता जा रहा है। बिल्कुल, और हमारी जो नेक्स्ट मेडिसिन है बहुत अच्छी मेडिसिन है ऑरम मेटालिकम। ऑरम मेटालिकम दोस्तों ये बनती है, ऑरम मेट होता है सोना जी, सोना क्या होता है, सोना खरा सोना जो होता है वो हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित करता है, उसको किसी को अपनी पहचान देने की जरूरत नहीं होती है, सोना अपने आप में उसकी जो चमक है जो चमक है ना उसी से आकर्षित इंसान हो जाता है। अब सोचिए आपके पास सोना है, आपने सोने का कोई गहना पहन रखा है और लोग आपको बोले कि ये तो डुप्लीकेट है, ये तो ओरिजिनल नहीं है, आपको कैसा लगेगा, आपको बहुत बुरा लगेगा, शायद आपको गुस्सा भी आए। सेम यही एक ऑरम मेटालिकम के इंसान का चरित्र होता है, वो हर काम में परफेक्ट होता है, बहुत मेहनती होता है और जो भी काम करता है बहुत अच्छे तरीके से करता है, इसीलिए उसको अपनी पहचान देने की जरूरत नहीं होती है, उसका काम बोलता है, ऑरम मेट का जो काम है वो बोलता है। अब इनको प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, इतना मेहनत करने के बाद भी अगर उस पर कोई दोष देता है ना, उस पर कोई आरोप लगाता है या उसको कुछ कोई गलत बोलता है तब उसको गुस्सा आता है और भयंकर गुस्सा आता है, लेकिन उसका जो गुस्सा है ना ये सामने वाले के ऊपर कम रहता है और अपने ऊपर ज्यादा रहता है, ये समझता है कि शायद मेरे ही काम में कोई कमी रह गई है। इतना होने के बाद भी बिकॉज वो उनका व्यक्तित्व ऐसा है, वो खुद में ही दोष ढूंढने की कोशिश करते हैं कि यार शायद मुझ में ही कुछ कमी रह गई, जी मुझ में कमी रह गई तो इसीलिए शायद ये मेरे को कुछ बोला गया है या मेरे पे है ना ये दोष लगाया गया है, और इसके बाद वो लोग धीरे धीरे ना डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, वो खुद को इतना कोसने लगते हैं, एक सेल्फ वर्थलेसनेस की फीलिंग आती है कि मैं तो बेकार हूँ, इतना कुछ किया मैंने क्या किया लाइफ में, अगर कोई मेरे से खुश नहीं है तो मैंने क्या किया लाइफ में, और उसके बाद उनको फिर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है, एक तरह से वो लोग क्रॉस हो जाते हैं और काफी इरिटेटिंग स्वभाव के बन जाते हैं। फिर इसके बाद उनका व्यक्तित्व ऐसा हो जाता है कि आप छोटी सी बात भी इनको बोलेंगे ना इनको गुस्सा आने लगेगा, हर छोटी छोटी बातों पे ये गुस्सा, जहां आपने इनके अगेंस्ट में कुछ बोला इनको गुस्सा आने लगता है। तो अगर आपके आसपास ऐसे इंसान है ना तो उनकी कदर करिए, अगर आप ऐसे व्यक्तित्व के साथ हैं या रहते हैं उनको जो उनका सम्मान मिलना चाहिए वो जरूर से दीजिए, और ऐसे ही किसी के काम में नुक्स नहीं निकालना चाहिए, आप सोचिए कि वो इतना सेंसिटिव पर्सन है कि उसको कितना इफेक्ट करती है ये सारी बातें। और हम मेट 200 पोटेंसी में दो डोज उनको दीजिए सुबह सुबह खाली पेट में, और फिर आप देखेंगे कि उनके अंदर कैसे पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। बिल्कुल, और दोस्तों हमारी नेक्स्ट मेडिसिन और बहुत इम्पोर्टेंट मेडिसिन है एंगर की, वो है इग्निशिया ज़्यादातर हम देखते हैं कि फीमेल्स में इंडिकेटेड होती है,
इग्नेशिया भी एक ऐसा व्यक्तित्व है जो सही और गलत को लेकर बहुत संवेदनशील है, बहुत मोरालिस्टिक है। अपनी जिम्मेदारी इग्नेशिया बहुत अच्छे से निभाती है। अगर ये घर की बहू है तो बहू आइडियल बहू होनी चाहिए ना, वो आइडियल बहू के रूप में ये अपना कर्तव्य निभाती है। लेकिन ये दूसरों से भी एक्सपेक्ट करती है, अगर ये जैसे इसके हस्बैंड है या बच्चे हैं या सास है ससुर है, इसके मन में एक ये है कि अगर मेरी ये जिम्मेदारी है एज अ हाउसवाइफ तो इन लोगों की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। अगर मैं वाइफ हूँ तो ये हस्बैंड है तो इनकी भी जिम्मेदारी है ना। अगर वो हस्बैंड जिम्मेदारी नहीं निभाता है ठीक से, या बच्चे, जैसे बच्चों के लिए वो क्या एक्सपेक्ट करेगी, छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि बच्चे थोड़ा देर बात करें माँ से, माँ के पास थोड़ी देर बैठे 10 मिनट 15 मिनट। बच्चे सुबह अपना काम कर रहे हैं और रात को जब घर आते हैं तो माँ के पास थोड़ा बैठ जाए, माँ से बात कर लिए, वाइफ के पास बैठ जाए, वाइफ से थोड़ा बात कर ले, ये होता है एक सेंस ऑफ मोरालिटी। ये जिम्मेदारी है, अगर आप एक घर में रह रहे हैं ना तो ये जिम्मेदारी बनती है। तो वैसे ही तो प्रॉब्लम यही होता है कि ये अपनी तो जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभा रही है, लेकिन अगर दूसरे घर वाले बाहर वालों की तो इसकी कोई परवाह ही नहीं है, तो घर को लेकर है ना हमेशा इसका जो एनर्जी है वो घर में ही रहता है। और जब ये एक्सपेक्टेशन नहीं पूरी होती है, इसीलिए इग्नेशिया जो है ना वो उसको गुस्सा आता है, और ये भी गुस्से को दिखाती नहीं है, ये बोलती नहीं है कि आपने ये किया है गलत किया है वो गलत किया है, ये चाहती है कि आप समझे, ये मौका देती है सामने वाले को अपनी गलती का एहसास करने को। उसके बाद भी अगर सामने वाला नहीं समझता है फिर इसका गुस्सा जो है वो फूट पड़ता है और फिर ये इरिटेटिंग हो जाती है। ये ठीक से, जैसे अब हस्बैंड घर पे आएगा तो वो ठीक से बात नहीं करेगी, बच्चों से भी ठीक से बात नहीं करेगी, तो दिख जाएगा आपको कि ये बहुत गुस्से में है। और साथ साथ में इनका मूड फिर बहुत ज्यादा चेंजेबल हो जाता है। अभी ये खुश हैं, कोई छोटी सी बात हुई खुश हो गई, फिर छोटी सी बात हुई फिर इनको गुस्सा आ गया, फिर वो दुखी हो गई, बहुत जल्दी जल्दी मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा फिर होने लगते हैं। बिल्कुल, तो इस तरह से ना वो गुस्सा उसके अंदर ये तकलीफें पैदा करने लग जाती है और उसका जो एक नॉर्मल जीवन है वो काफी हद में डिस्टर्ब हो जाता है, साथ ही घर वालों का भी डिस्टर्ब हो जाता है। इग्नेशिया 200 पोटेंसी में आपको सुबह सुबह खाली पेट में लगातार 2-3 तक लेना है एंड फिर आप इसके पॉजिटिव चेंजेस ऑब्जर्व करिए। बिल्कुल, जैसे आपको लगता है कि जो प्रोग्रेस है वो थोड़ा कम हो गया है या स्टॉप हो गया है, 2 डोज फिर से रिपीट कर देना है। बिल्कुल, तो दोस्तों हमने कुछ कॉमन मेडिसिन के बारे में बताया है, एंगर मैनेजमेंट के लिए बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है, इसके अलावा भी काफ़ी मेडिसिन है, तो अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन करना चाहेंगे नंबर्स दे रखे हैं, आप कॉल करके अपॉइंटमेंट ले लें। हमारा क्लिनिक है सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल में और ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए नंबर्स नीचे हैं जी। तो ऐसे ही हमारे वीडियोस को पसंद करते रहिए, हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए। अगली बार किसी दूसरे नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।